Rani kata nak saya ni Rani dia lagi barat. Kapan ni balik barat? Real में कब आने वाली है बारात? माँ ये सवाल रियल में मेरी बारात कब आएगी नो आइडिया क्योंकि अब तक मुझे मेरा सपनों का राजकुमार नहीं मिला मेरी फिल्मी डालो बट सीरियसली अभी नहीं पता कब शादी करूँगी बट हाँ ये बारात बहुत जल्दी आने वाली है मे बी हम लोग जनवरी में शूट पे जाएं या दिसंबर में जाएंगे ऑन फ्लोर टाइटल जितना ही अच्छा है उतनी अच्छी स्टोरी है मेरे लिए करने को बहुत कुछ है इस फिल्म में पूरी तरह से फैमिली ड्रामा है ये और मुझे फैमिली ड्रामा करने में बहुत अच्छा लगता है इसमें ऐसा नहीं है कि इंडियन लड़की हूँ मैं हिंदुस्तानी नारी हूँ एक नॉर्मल एक शहर की लड़की है लेकिन वो थोड़ी सी बिंदास है मींस जैसे आज की लड़की है वो किसी को भी करारा जवाब दे सकती है जो लोग हमेशा देखना पसंद करते हैं मुझे जिस तरह से तो लेकिन उसके साथ ही कुछ ऐसा होता है लेकिन वो हार नहीं मानती है और वो लड़ती है उसके लिए और उस लड़ाई में उसके पति भी सामने आए तो उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उस जंग में तो ऐसा कैरेक्टर है आई होप कि लोग बहुत इंजॉय करें रानी कुछ खबरें आ रही थी कि रानी मॉडर्न ड्रीम गर्ल कहलाना पसंद करती है क्या ये सच है मॉडर्न ड्रीम गर्ल ऑफकोर्स कौन लड़की नहीं पसंद करेगी ड्रीम गर्ल कहलाना और ये टैग तो सिर्फ हमारी हेमा मालिनी जी को मिला हुआ है और अगर भोजपुरी में मुझे मिल जाता है तो मुझे आई डोंट माइंड रानी अवार्ड फंक्शन होने वाला है भोजपुरी का उसकी कैसी तैयारी चल रही है तैयारी शुरू कर दी है मैंने और मेरा एक्ट जो इस बार मैं परफॉर्म करने वाली हूँ वो बहुत ही मेजर एक्ट है क्योंकि इस बार मैं कुछ अभिनेत्रियों को ट्रिब्यूट करने जा रही हूँ जो पुरानी हीरोइंस थी हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री की लाइक पद्मा खन्ना कुमकुम जी गौरी खुराना मीरा माधुरी बंदनी मिश्रा उन सबको ट्रिब्यूट कर रही हूँ और बहुत ही स्पेशल एक्ट होगा मेरा अभी से तैयारी कर रही हूँ और आई होप कि लोगों को पसंद भी आएगा आज धनतेरस है और कुछ खरीदारी होगी खरीदारी नहीं की मैंने आज दो तीन फिल्में साइन की हैं जो बहुत अच्छी हैं अभी मैं अभी साइन करके आ रही हूँ घर वाली बाहर वाली अभय सिन्हा की फिल्म है अजीत श्रीवास्तव डायरेक्टर हैं और मैंने ये फिल्म भी आज ही साइन की है सो दो तीन प्रोजेक्ट्स मैंने आज साइन किए हैं तो आई होप कि आने वाला साल बहुत अच्छा होगा अच्छा मैं वहाँ से जाना चाहूँगा जिससे आपके फैंस बोलेंगे रानी जिस फिल्म में रहती है ऑडियंस आपकी जो फैंस है काफ़ी देखते हैं तो क्या वजह है फिल्म का रानी डाल दिया मतलब देखिए टाइटल एक्चुअली मुझे खुद को पता नहीं मेरा नाम क्यों रखा मैंने जब टाइटल पहली बार सुना तो मैंने पूछा भी कि रानी की आएगी बारात क्यों क्योंकि इससे ना लोग मुझसे जैसे इन्होंने सबसे बड़ा सवाल यही किया कि मेरी बारात कब आने वाली है तो इससे मैं बच नहीं पाऊँगी तो उन्होंने कहा कि नहीं आपको ही देख कर रखा गया है आपके लिए ही लिखा गया है तो मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ें बहुत ही कम एक्टरों को मिलता है जैसे बॉलीवुड में कुछ एक्टर हैं जिनको ये मौका मिला जिनके नाम से कुछ चीज़ें शुरुआत हुई तो मैं इस मामले में खुद को लकी मानती हूँ आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस रानी की आगे बारात मीनिंग क्या है रानी की बारात आती है लेकिन रानी की बारात कैसे आती राजा बारात लेके जाता है लेकिन रानी के लिए राजा को आना पड़ेगा रानी खुद नहीं जाएगी अच्छा जाते जाते दिवाली की विशेष ऑफकोर्स मेरे सभी दर्शकों को सभी प्यारे ऑडियंस को मेरी तरफ से विश यू वेरी हैप्पी दीपावली सेफ दीपावली इंजॉय कीजिए खूब खाइए लेकिन पटाखों का शोरगुल ज़्यादा मत कीजिए अगेन विश यू वेरी हैप्पी दीपावली थैंक यू करता हूँ आप सभी मीडिया वालों का यहाँ आए सभी लोगों का आज खासकर बहुत ही अच्छा दिन है आज सामने दीपावली भी आज धनतेरस है तो सबसे पहले सबको बधाई दे रहा हूँ मैं आप सभी को दीपावली धनतेरस की फिल्म हमारी जो है रानी की बारात ये फिल्म एक लाजवाब कॉन्सेप्ट जो हमारे डायरेक्टर के सुजीत ने निकाला उन्होंने बोला कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट पर हम फिल्म बनाते हैं जो कि एक ऐसी फैमिली ड्रामा हो क्योंकि अभी जो ट्रेन चल रहा है हम लोग ये देख रहे हैं कि लगातार हमारे भोजपुरिया दर्शक कट रहे हैं हमारी भोजपुरी से ऑडियंस कट रही है फीमेल्स कट रही हैं लेकिन इसमें हमारी ये कोशिश है कि हम फीमेल्स को लाएं सिनेमा हॉल तक एक फैमिलियर फिल्म बना के कोई कुछ अलग कोई एक्शन नहीं एकदम कंप्लीट फैमिली ड्रामा और रानी जी एक बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस हैं जो कि इसमें मेन लीड कर रही हैं मेरे साथ उसके बाद बाकी सारी कास्टिंग हमारी अपने जगह पे बहुत ही बढ़िया है उदेश जी कुणाल जी अनारा प्रियंका गुंजन जी राकेश जी ये सारे लोग हैं लाजवाब कॉन्सेप्ट है
आप सब लोग देख के मजा करेंगे। आपका किरदार की बात करें, आपके किरदार की बात करें। ग्रे सेट बोले तो ये एक बिगड़ा हुआ शहजादा है, और ये शहजादा कैसे एक मुश्किल में फंस जाता है, उसके बाद कैसे अपनी फैमिली के साथ इन सबको एडजस्ट करता है, अपनी प्रेमिका के साथ, अपने घर परिवार के साथ, तो ये सारी चीज़ें हैं इस फिल्म में। बहुत ही बढ़िया फिल्म है, धन्यवाद। आज नो डाउट आज धनतेरस है, धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको और हमारे ऑडियंस को। और आइए आइए, तो हाँ क्या मैं बोल रहा हूँ, बहुत खुश हूँ मैं, और आज दिन बहुत अच्छा है, धनतेरस का दिन है, और धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको। और थैंक यू बोलना चाहूँगा अपने मीडिया वालों का, आप मेरे स्टार्स का, जो काफ़ी कोऑपरेट कर रहे हैं हमारी मुझे इस फिल्म के लिए। आशुजी जी, कहानी की बात करें, रानी की आएगी। हाँ, रानी की आएगी बारात एक फीमेल ओरिएंटेड फिल्म है, जिसमें एक फीमेल की स्ट्रगल को दिखाया गया है। लड़की के लाइफ में ढेर सारे फेजेज आते हैं, गुड बैड्स, तो इसमें किस तरह से वो हैंडल करती है खुद को, कैसे अपनी सोसाइटी से फाइट करती है, कैसे अपने फैमिली से फाइट करती है, और अपने सपने को पूरा करती है। यही एक स्केच है पूरी फिल्म का। इसमें नील सिंह डेब्यू कर रहा, वो मेरे साथ काफ़ी ढेर सारी टीवी सीरियल कर चुका है, हिंदी का शॉर्ट फिल्में कर चुका है फेस्टिवल्स के लिए, इंग्लिश हिंदी सारी चीज़ें। तो केमिस्ट्री वाइज देखें तो हमारी पूरी टीम कॉम्पैक्ट है, एंड केमिस्ट्री वाइज बहुत अच्छी है। तो इस तरह से इक्वेशन मैंने बनाया है कि अच्छा इक्वेशन, बेस्ट इक्वेशन जो हो सकता है वो पसंद। ऑब्वियस है, ऑब्वियस है, ऑब्वियस है। तो आनंद जी को तो मैं बोलूँगा थैंक यू, बहुत बहुत अच्छा म्यूजिक है, बहुत 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 अच्छा म्यूजिक है, थैंक यू बोलूँगा आनंद जी का। नहीं मुश्किल नहीं हुआ, काफ़ी लोगों ने कोऑपरेट किया, और स्टार्स ने काफ़ी कोऑपरेट किया जो हमारी फिल्म में है, चाहे वो अनारा हो, प्रियंका हो, अभिजीत जी हो, गुंजन हो, वो सारे लोगों ने काफ़ी कोऑपरेट किया है मुझे। राइटर भी आपको कहाँ से स्टोरी आपको देने में के आप में कोई रियल स्टोरी है क्या? और रियल यस, कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड स्टोरी है ये, और स्टोरी धर्मेंद्र जी ने काफ़ी बढ़िया लिखा है उसको, और ये दिसंबर 10th को एक्सपेक्टेड ऑनलोड होगी फिल्म। थैंक यू सो मच। खुशी तो बहुत है, हम लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि कई महीनों के अथक प्रयास के बाद आज हम लगभग फ्लोर की तरफ बढ़े हुए हैं, आज हमारा मूड हुआ, तो ये काफ़ी सच्चे मन से की गई कई महीनों की मेहनत है जो आज कामयाब हो रही है, तो खुश तो बहुत हैं। और ख़ास करके आज धनतेरस है, तो धनतेरस के दिन ऐसी खुशी मिली तो बहुत खुशी दुगनी चौगुनी बहुत ज़्यादा है। आपने संवाद लिखे जी, और बिना संवाद के फिल्म कहते हैं कि बहुत ही बढ़िया, तो किस प्रकार का संवाद है और क्या नया लिखने की कोशिश की? जी देखिए, मैं तो इसकी इस तरीके से लिखता हूँ कि संवाद मतलब कन्वर्सेशन, तो हमारी बात से बात लिखी है, और बात संवाद के बारे में आप बता रहे हैं। जी हाँ, मैं ये कह रहा था कि जैसे जो भी संवाद का मतलब कन्वर्सेशन, तो बात से बात निकलेगी और वो लोगों को अच्छी लगेगी। कहीं ना कहीं संवाद एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है फिल्म के चलने में, तो अब तो मज़ा आएगा, तो डायलॉग सुन के मज़ा आएगा। जी हाँ, कुछ कैरेक्टर्स तो हमने ध्यान में लिखा, जैसे हमने रानी मतलब रानी की आएगी बारात, मतलब टाइटल हमने सोचा था, तो रानी की आएगी बारात मतलब रानी जी, कुणाल जी जैसे पहले फ्रेंड में थे हमारे, कि कुणाल जी को हमको लेना है, कि फादर के रोल में रानी जी के फादर के रोल में कुणाल जी, तो ऐसे कुछ चरित्र थे जो अपने दिमाग में थे, या नील को, कि नील को हमें किस तरीके से प्रेजेंट करना है जो इस फिल्म का हीरो है, तो कैरेक्टर्स तो लगभग सब ध्यान में थे और एक्टर्स ध्यान में थे, उनको ले करके ही लिखा हमने। नहीं, रानी जो रानी जी हीरोइन नाम के ऐसा नहीं, रानी मतलब कैरेक्टर था जो हमारा, और रानी शब्द जो है बहुत ही प्यारा होता है, रानी बिटिया, या हम अक्सर बहुत ज़्यादा अगर अपने बच्चों को प्यार करते हैं तो राजा रानी कह के ही बुलाते हैं, तो हमें कुणाल जी की पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी बाप की पॉइंट ऑफ व्यू से एक बेटी रानी ही होती है, माँ के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बेटी रानी ही होती है,
तो हमने ऐसे किसी एक्टर को ध्यान में रख के नहीं लिखा, बल्कि ये कैरेक्टर था और उसकी रिक्वायरमेंट थी, इसलिए रानी के आगे बारात लिखा।